गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह आप लोग की हिंदी की टीचर। आज आप लोग को ग्रामर पढ़ाएंगे क्लास सिक्स का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू है और चैप्टर भी टू है। चैप्टर टू का इससे पहले स्वर यानी वर्ण विचार चैप्टर में स्वर मैंने आप लोग को पढ़ाया है। आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे, उसके आगे व्यंजन के बारे में हम लोग जानेंगे। व्यंजन जिसे कहते हैं व्यंजन जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता यानी आराम से या अलग से नहीं होता। जब भी हम किसी व्यंजन को बोलते हैं जैसे क, जब हम क बोलते हैं तो इसके साथ अ का उच्चारण स्वतः ही सुनाई देता है। यानी व्यंजन ऐसा है, ऐसा वर्ण है जिसका बिना स्वर के उच्चारण नहीं होता। व्यंजन के प्रकार है, व्यंजन के तीन प्रकार होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, यानी दो अलग अलग यानी अलग अलग, जैसे क और श अलग अलग है, तो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखेंगे संयुक्त व्यंजन जो है वो चार प्रकार का होता है। एक होता है छ, त्र, ज्ञ और श, ये चार ही प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके। पहला देखेंगे छ, क और श से मिलकर बनता है छ, जैसे क्षमा। त, त्र, त और र के मेल से बनता है त्र और उपशब्द बनता है त्रिशूल। ज और ज्ञ के मिलने से बनता है ज्ञ और शब्द बनता है ज्ञानी। तलाबे श और र के मेल से बनता है श्र और शब्द बनता है श्रम इत्यादि। संयुक्ताक्षर देखेंगे, संयुक्ताक्षर ऐसे शब्द होते हैं जो संयुक्त रूप से यानी जुड़कर बनते हैं, लेकिन संयुक्त में अक्षर कैसा होता है, दोनों अलग अलग होता है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अलग अलग, यानी ये और ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने किसी अक्षर को, किसी भी ये अक्षर है यहाँ पे, अभी ये अक्षर है, कोई शब्द नहीं बना, अभी एक अलग अक्षर है, ये भी स्वतंत्र है, किसी के साथ जुड़कर बना हुआ नहीं है। इस अक्षर को संयुक्ताक्षर कहा जाता है, इस अक्षर को जो भी अक्षर है इसी को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे ज और व वर्ण के मिलने से ज्व बना, श और व से मिला स्व और प और य के मिलने से बना पय। अब इससे शब्द बनाएंगे तो ज्व से बनेगा ज्वाला, ज्वर। स्व से मिलेगा तो स्वर, स्वास्थ्य और पय को बोलेंगे तो प्यास, प्यार इत्यादि। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन ऐसे व्यंजन जो द्वित का मतलब होता है दो रूप, यानी दो एक ही जैसे व्यंजनों के मेल से जब कोई व्यंजन बनता है तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। एक जैसे जैसे त और त, ल और ल, च और च, प और प इत्यादि, बहुत सारे सारे ही व्यंजन जो एक जैसे रूप से मिलकर बने उसे द्वित व्यंजन कहेंगे। त त से बना तत, जैसे कुत्ता में आखिरी में तत है, बिल्ली। लल से मिला बना शब्द बिल्ली। च और च के मेल से बना चच यानी बच्चा इत्यादि, ऐसे शब्द जो जोड़कर बने हुए हैं। अयोगवा पढ़ेंगे हम लोग, अयोगवा ऐसा अक्षर, ऐसा वर्ण जो किसी के योग न होने पर बनता है, ये ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है अनुनासिक और तीसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार को देखेंगे, अनुस्वार जिसका उच्चारण जब हम इसको पढ़ते हैं इसको, तो नाक से इसका उच्चारण होता है, नाक से इसका उच्चारण होता है। और इसका प्रयोग कैसा होता है, किसी भी शब्द के शिरोरेखा पर बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अंगूर, अंग इत्यादि। अनुनासिक, अनुनासिक का संबंध हमेशा स्वर से होता है, इसका संबंध स्वर से होता है और उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक शब्द, अनुनासिक का प्रयोग जो है, इस वर्ण का प्रयोग नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण बाहर निकलता है। प्रयोग कैसे करते हैं, किसी भी शब्द के शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, आंख, मुंह इत्यादि। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग हलंत के रूप में किया जाता है, हलंत यानी ह का उच्चारण इस बिंदु को ही संस्कृत में हलंत कहा जाता है।
तत्सम शब्द का प्रयोग जब हिंदी में किया जाता है तो इस तरह से जिस शब्द में हम का उच्चारण आए वो उसका प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। प्रातः पढ़ने पर प्रातः त के बाद ह का उच्चारण, यहाँ पर ह का उच्चारण आता है। इस ह को लिखा नहीं जाता बल्कि इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया विसर्ग का उदाहरण। अगला देखेंगे पॉइंट वन, विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, यानी प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्द देखेंगे विद्यालय, इसको वर्ण विच्छेद हम लोग करेंगे। पहले देखें दिया हुआ है व, मात्रा लगी हुई है हर्षई की, तो व ई, द, य, आ की मात्रा लगाया तो आ, ल, फिर है अ का उच्चारण, य और य के बाद अ का उच्चारण। यहां देखेंगे जब स्वर के साथ किसी शब्द में व्यंजन जब स्वर के साथ होता है तो नीचे में उसमें हरेफ लगा हुआ नहीं होता, लेकिन जैसे ही स्वर से व्यंजन से स्वर अलग हो जाते हैं तो फिर व्यंजनों में क्या किया जाता है, हरेफ का प्रयोग, रेफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे व में, द में, य में, ल में और य में। अब ये हो गया वर्ण विच्छेद। आप लोग का यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये क्लास सिक्स का चैप्टर टू है, ये एक पार्ट यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है, पार्ट टू। और इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिए, कमेंट करिए।